हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ शेयर, राइट? तो इश्यू ऑफ शेयर आप जब आप करोगे, जब आप अपने कंपनी का कोई हिस्सा इशू करते हो पब्लिक के लिए, तो उसका एक प्रोसेस होता है जिसको आपको फॉलो करना है। तो जो ड्यू प्रोसेस है, मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है? बट उससे पहले मैं कुछ चीजें हमारे चैनल के बारे में बताना चाहूंगा। आपको अगर हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बनना है तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा लेना है, और उसके बाद ये जो ज्वाइन का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको इग्नू बीकॉम वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे जो ज्वाइन का बटन है इसको ऊपर क्लिक करके आपको हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ले लेना है, जहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपको बहुत ही लो कॉस्ट पे नोट्स मिल जाएंगे, और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलेगा 24/7, जहाँ पे आपके हर एक तरह की डाउट, हर एक तरह का क्वेश्चन जो है उसका सॉल्व आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप मुझसे ऑन ऑन डिमांड आप लेक्चर बनवा सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना सकता हूँ। साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना? सिंपल सा प्रोसेस है, आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके नॉमिनल सा फी है उसको पेमेंट करना है। करने के बाद यहाँ पे मोर अबाउट पर्क्स में जाना है, और यहाँ पे आपको एक लिंक दिखेगा व्हाट्सएप का, जिसके ऊपर क्लिक करके आपको हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है, राइट? तो ये मुझे मुझे बतानी थी। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में आकर के स्टडी कीजिए। यहाँ पे वीडियोस आपको मिलेंगी वन बाय वन, जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। करना क्या है, प्लेलिस्ट में आपको जाना है, जाने के बाद इग्नू बीकॉम न्यू में जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखो प्लेलिस्ट दिख रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का भी आपको दिखेगा कुछ ही दिनों में। तो यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसके अंदर ढेर सारी वीडियोज भी है, जिनको अगर आप देखोगे समझोगे तो आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ये प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। तो शेयर इशू करने के कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं? सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो ये है कि इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, ताकि जो कस्टमर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो शेयर होल्डर्स, जो पोटेंशियल हैं, वो एक तरीके से इसको देख करके समझ पाए कि कंपनी क्या है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है ओवर द इयर्स, इस कंपनी में कितना पैसा डेट है, कितना नहीं है। ये सारी चीजें प्रोस्पेक्टस में इशू मतलब लिखी हुई होती है। तो सबसे पहला काम होता है प्रोस्पेक्टस को इशू करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपनी इशूज अ प्रोस्पेक्टस विच प्रोवाइड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, है ना, टू द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। तो जो इन्वेस्टर होगा, जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो प्रोस्पेक्टस एक तरीके से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपने इन्वेस्टर्स को। इट ऑल्सो मेंशंस द मैनर इन विच द अमाउंट ऑन शेयर इज टू बी कलेक्टेड। ये भी बताता है कि किस तरीके से आप जो अमाउंट है शेयर्स का, वो आप कलेक्ट करने वाले हो। सो इश्यू ऑफ शेयर इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोसीजर का पार्ट है इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, है ना। दूसरा है रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस। अब जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू कर लिया, तो जो इन्वेस्टर होगा वो क्या करेगा, वो आपको लिख करके एप्लीकेशन देगा। एप्लीकेशन मनी भी वहां पे साथ में दिया जाता है, पैसे भी आपको दिए जाते हैं, ताकि आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। द कंपनी मेक्स इट्स एप्लीकेशन फॉर्म्स होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये गलत लिखा हुआ है। द कंपनी मेक्स इट एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल टू द पब्लिक थ्रू इट्स ब्रोकर्स एंड बैंक्स, है ना। तो कंपनी जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंपनी के द्वारा, आई मीन बैंक्स के द्वारा या अपने ब्रोकर्स के द्वारा जो है इशू कराती है, ताकि लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सके और इन्वेस्ट कर सके, है ना। ये फॉर्म्स है, तो इसको कंफ्यूज मत होना, यहाँ कुछ और ही लिखा हुआ है, गलत तरीके से गलत लिखा हुआ है। तो ये इशू कराती है, वहां पे इशू कराने के बाद जो शेड्यूल बैंक होते हैं फॉर एटलीस्ट 4 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन इशू। तो सब्सक्रिप्शन इशू जब भी होने वाला होगा, सपोज सब्सक्रिप्शन इशू 27 को होने वाला है, तो 23 तारीख जो है, 23 तारीख के पहले ही जो है, एटलीस्ट 4 दिन पहले जो है, आपको जो फॉर्म है, जो फॉर्म्स एप्लीकेशन फॉर्म्स है, वो इशू करा दी जाते हैं बैंक्स और ब्रोकर्स के द्वारा, जिनको भर करके आप एक तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हो। तो रिसीट और एप्लीकेशन इज द सेकंड प्रोसेस। नाउ द थर्ड प्रोसेस अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो जब आपने आपको रिसीव हो गया एप्लीकेशन, तब आपका अगला काम है, कंपनी का अगला काम होता है कि वो शेयर्स को अलॉट करना वो स्टार्ट करे। सो आफ्टर द क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, जब सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज हो जाता है, द शेयर्स हैव टू बी अलॉटेड विद इन 120 डेज ऑफ द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस प्रोवाइडेड मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज रिसीव्ड, है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि 120 दिनों के भीतर जो है आपको अपने आपके शेयर जो है अलॉट कर दिए जाते हैं, जो आप लोगों ने प्रोस्पेक्टस के थ्रू बाय किए थे, है ना। जो भी मिनिमम आपका सब्सक्रिप्शन था वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट विच इज द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी रेज टू मीट बेसिक नीड्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट होता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 1 लाख की कंपनी है, उसमें से 10,000 आपने इशू किए, 10,000 में से लेकिन जो पैसे हैं,
है ना, 5,000 ही आपने लिए, 5,000 रुपए आपने नहीं लिए, 5,000 रुपए आपने बोले कि ठीक है मैं आपसे बाद में लूंगा, तो ये 5,000 आपने लिए हैं, वही आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, वही मिनिमम सब्सक्रिप्शन है जिसकी आवश्यकता आपको अभी है। जब आपकी आवश्यकता बाद में आपको पड़ेगी तो आप बाकी सारे शेयर भी के पैसे भी आप उनसे ले लोगे, बट जो पास आवश्यकता अभी आपको है बिजनेस ऑपरेशन को चलाने के लिए, उसे हम कहेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इफ द सेम इज नॉट रिसीव, अगर ये पैसे कंपनी के द्वारा रिसीव नहीं किए जाते हैं, द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो उस केस में कंपनी जो है शेयर्स को अलॉट नहीं करेगी। तो शेयर अलॉटमेंट के लिए आपको पैसे जो है, जो एप्लीकेशन फी है, वो आपको देने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। एंड एप्लीकेशन मनी मस्ट बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स विद इन 130 डेज ऑफ द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो इस केस में आपको शेयर इशू हो गया, पर अगर शेयर इशू नहीं हुआ तो आपको सारे पैसे जो है 130 दिनों के भीतर जो है आपको वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तरीका जो 120-30 दिन का, ये बहुत पहले चला करता था, अभी ऐसा नहीं होता, अभी 1 महीने के भीतर ही सारा काम हो जाता है। अगर आपने बाय किया है तो आपको पता होगा, नहीं बाय किया है तो मैं तो करता हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है कि जब ओपनिंग डेट चलता है 3-4 दिनों का पूरा टाइम रहता है जहां पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो शेयर को, पर अगर नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते हो, आपको अलॉट नहीं होता, तो कुछ ही दिनों में पैसे आपके वापस भी आ जाते हैं, ठीक है ना। 120-30 दिन का समय जो है पहले की तरह अब नहीं लगता है। नाउ इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव कर लिया, द डायरेक्टर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज सेंड द अलॉटमेंट लेटर्स टू द सक्सेसफुल सब्सक्राइबर्स। तो जब आपने सब्सक्रिप्शन का पैसा जो रिसीव कर लिया कंपनी, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपने डायरेक्टर जो जो है कंपनी का, वो क्या करेगा, वो सारा जो लीगल फॉर्मेलिटीज उसको पूरा करने के बाद आपके पास जो सक्सेसफुल सब्सक्राइबर्स होंगे उनके पास एक लेटर चला जाएगा, अलॉटमेंट लेटर, कि आपको जो है इतने इतने के शेयर जो है आपको इश्यू कर दिए गए हैं। द लेटर्स ऑफ रिग्रेट है ना, लेटर्स ऑफ रिग्रेट किसको देगा, सहानुभूति वाला लेटर किसको देगा, जिसको सब्सक्राइब नहीं हो पाया, जिसने एप्लीकेशन किया था लेकिन उसको शेयर नहीं मिल पाया, तो वो भी भेजा जाता है। और साथ ही साथ जो रिफंड का अमाउंट होता है, रिफंड ऑर्डर्स आर सेंड टू दोज हुम नो अलॉटमेंट हैज बीन मेड, तो जिनको शेयर अलॉट नहीं किया गया है उनको पैसे के साथ साथ एक रिग्रेट लेटर भी भेजा जाता है, राइट। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।